श्रीकाल आज अभी प्लान वाले हैं दाला दी दाल मखनी दी मखनी दाल मखनी। गाइस इसी के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हम दाल मखनी बनाने वाले हैं। जैसा कि बहुत जबरदस्त दोस्तों की डिमांड आई थी और भी मेरे पास काफी लोगों की डिमांड आई थी कि पाजी दाल मखनी की रेसिपी बना के दिखाओ एकदम बढ़िया तरीके से। तो महाराज आज दाला दी दाल पंजाबी दाल है दाल मखनी बनाने वाले हैं। भाई साहब पंजाबी जी ब्लॉग करेंगे चक दे फटे नप दे किल्ली सवेरे जलंधर शाम नु दिल्ली ओए मजा आए। जिवें तुसीं देख सकते हो ये है साडे राजमा बिल्कुल राजा दे राजा राजमा। ये मम्मी दे राजे होंदे पता नहीं की होंदे इन्हां नूं राजमा क्यों कहंदे हैं किसी नूं नहीं पता। वैसे इन्हां नूं असीं ओह बीन बीन भी कहंदे हैं। तो ये भिगोए हुए राजमा है भीगे हुए एकदम गाइस बहुत ही बढ़िया तरीके ना 3-4 घंटे के लिए हमने इसको भिगोया था। अब हम इसको कुकर में सीट चुके हैं। साथ ही में हमारे पास है ये काली दाल। ये हरी हरी क्यों दिख रही है ये हम नहीं जानते हैं। इसको भी हमने पानी में भिगोया है काफ़ी देर के लिए। लगता है इसके ऊपर की जो पॉलिश वॉलिश होती है वो उतर गई है। तो इसके लिए मैं बहुत ही ज़बरदस्त कंप्लेंट डालना चाहूँगा जिसने भी ये दाल बनाई है दूर फिटे मुँह हो देते रहे डंगर दे। तो अब हम बारी है इसको मिक्स करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी दाल और राजमा आपस में चोल मोल कर चुके हैं और इसमें हम पानी का मिश्रण वाह पानी जितना डालना है वो इतना डालना है कि जितने हमारी दाल और राजमा है उसे करीबन 2-3 गुना ज्यादा पानी डालना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही बढ़िया डूबे हुए हैं। तो अब बारी है इसके अंदर मसाले वसाले डालने की। और सबसे पहले क्या करेंगे जी मैं देख सकते हो असी कुकर नु गैस पे चढ़ा दिया ते कुकर खाली नहीं है। राशि बहन मैं दसना चाहूंगा इन्हें भर के कुकर चढ़ाया करो खाली कुकर गैस पे नहीं चढ़ाना चाहिए। गैस बहुत महंगी है वेस्ट होती है। तुम देख सकते हो साड़ी मसाले की थाली तैयार है। मसाले के बीच 2 चम्मच नमक पावांगे 1 चम्मच लाल मिर्च पावांगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पावांगे नाले ये दे पिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर ते नाली आ जेड़ी है अपनी कश्मीरिया दी मिर्च देगी मिर्च ये रंग दिंदी है ता इहदा नाम देगी कहा जाता है ये दे दिंदी है। जिवें कि बारी है इन्हां नूं मसालियां नूं इहदे विच सिटण दी। ते हुण मसालियां नूं इकट्ठा करके विच सिट दांगे गाइस। जिवें कि तुसीं देख सकते हो मसाले विच जा चुके हैं। ते हुण इन्हां नूं घोल मोल के चंगी तरह ते असीं कुकर बंद करना है। तो आप ध्यान दें बहुत ही बढ़िया दाल मखनी बनाने के लिए आपको इस रेसिपी को पूरे अच्छे से देखना पड़ेगा। साथ ही में मसाले मसूलों का अच्छे से ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको करीब करीब सिर्फ 10 सेकंड में कुकर को बंद कर देंगे। जी मैं तुम देख सकते हो साढ़े कुकर ने सीटियाँ मारनिया शुरू कर दी हैं। उन्हें छेड़ा छाड़ी कर रहे हैं साढ़े घर के मैंबर उन्हें छेड़ रहे हैं। गाइस जब तक ये 7-8 बारी छेड़ना देवे उदों तक असीं इहनूं कुछ नहीं कहना। उस तो बाद जिवें ये छेड़न लगे ये भाई साहब गैस नूं बंद कर देना छित्तर पेट करके खोल देना। तुम देख सकते हो अग बढ़ चुकी है साड़ी बाटी उपर चढ़ चुकी है ते विच इहदा मक्खण भी पै चुका है। सब तो पहले असी मखन नु पिघलावांगे विच इहदे तड़का पावांगे जिवें कि असी दिखाना चाहते हैं। साड़ी तड़के दी थाली एकदम तैयार है। ये साड़ी टमाटो दी प्यूरी है ए चॉप्ड अनियन है ते ए कुछ जिंजर एंड हरी मिर्चा दा मिक्स है। साडा बटर चंगी तरह पिघल चुका है ते गैस असी सिम ते रखया होया है। हुण बारी है मसाले नु पाण दी। सब तो पहला बारी आंदी है हिंग पाण दी। असी हिंग पावांगे आ देख सकते हैं थोड़ी हिंग पानी है नाल ही इहदे मोटी मोटी इलायचियां नु सुटांगे। आ महाराज एडी मोटी है जिवें पता नहीं की होवे पर पाई दित्ती असी बस। हुण इहनूं असी हिलावांगे। हिलाण तों बाद बारी आएगी कुछ मसालियां दी ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੂੰ ਛੋਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰੈਸਿਪੀ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਲਸਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਟਪਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਲਾਲ ਭੁਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਫੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਦੇਣਾ ਬੜੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। वाह 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 खुशबू तो एक नंबर। हुण बारी है प्याज दी। सारे प्याज विच पा देंगे एकदम गुलाबी गुलाबी गुलाबो डार्लिंग बना देंगे। प्याज डार्लिंग विच जा चुकी है। ए अदरक लहसुन नाल चोल मोल कर चुकी है। सारे प्याज ने तेल छड़ दिता है। इसका मतलब है कि ए अपना लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। ते हुण बारी है टोमेटो प्यूरी पाण दी। प्यूरी डार्लिंग विच पै जाओ ते अपना जादू दिखाओ। टोमेटो प्यूरी विच पै चुकी है। हुण इहनूं असीं चंगी तरह पकण देवांगे। इहदे पकण दा वी आई सेम तरीका है। जदों इह तेल छड्डण लग जाए इहदा मतलब इह पक चुकी है। क्या रंगत आई है महाराज देख सकते हो तुसीं। मैं कह रहा फटे चक ते एडी सोहणी रंगत बल्ले बल्ले करा दी है। हुण जिवें कि देख सकते हो तेल तूल छड्ड चुक्या है। साडा तड़का लगभग तैयार है। लगभग ही पूरा पूरा तैयार है। हुण बारी है इहनूं इहदे विच शिफ्ट करन दी। दाल नूं बणन वास्ते तड़के नूं विच पावांगे। जा चुक्या है। हुण बारी है गैस जलाउण दी। गैस जल चुक्या है ते साडा तड़का उपर जा चुक्या है। हुण इहनूं असीं सिम गैस ते चंगी तरह तड़के नूं घुमा के ते इहनूं विच ढाके रख देना है थोड़ी देर वास्ते।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੁੜਪੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਲ ਖਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਰੇ ਫਟੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਨੇ ਆ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਹ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਖਣੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਖਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਹ ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀ ਗਾਈਜ਼ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਧਨੀਆ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਧਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੜਛੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਮ ਮੇਡ ਤੰਦੂਰ ਵੀ ਹੈ ਗਾਈਸ ਆਜ ਹਮ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹ ਜੈਸੇ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹਮਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦੀ ਹੈ तो गाइस अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख ही चुके हैं तो लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना और कमेंट करके अपने सजेशन जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी और रेसिपी अगर ट्राई करो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना टैग कर दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपी आपने कैसे ट्राई तो मिलते हैं इसी के साथ एक और बढ़िया से ब्लॉग के साथ टिल देन बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखिए घर पे रहिए सेफ रहिए और अपनी फैमिली से एंजॉय करिए बाय 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 बाय